अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तालबात, आज हम दिल्ली ख़ानदान में माशरती तगैर का जायज़ा लेंगे। वक्त के साथ साथ माशरे में मौजूद तमाम इदारों को माशरती तब्दीलियों से गुजरना पड़ता है। इनके वज़ाइफ़ में तब्दीलियाँ आती हैं। ख़ानदान चूँकि माशरती बुनियादी इदारा है, लिहाजा इस में भी तब्दीलियाँ आई हैं, इसके वज़ाइफ़ चेंज हुए हैं। हम आज देखेंगे कि ख़ानदान में कौन कौन से माशरती पहलू हैं जहाँ पर तब्दीलियाँ आईं। सबसे पहले तो ये कि ख़ानदान की साख तब्दील हो गई है। हमारे यहाँ देहात में अमूमन मुश्तरका ख़ानदान का रवाज था, जो कि आहिस्ता आहिस्ता सादा ख़ानदान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इसके बाद ये है कि ख़ानदान में दाखिली शादियों का और बट्टे सट्टे की शादियों का रवाज था, उसमें भी तब्दीली आई है। ख़ानदान में अब खारजी शादियाँ भी होने लगी हैं, यानी अपनी बरादरी और अपनी ज़ात से बाहर अगर अच्छे रिश्ते मौजूद हों तो उसमें अफराद शादी करने में अब हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। ख़ानदान में जो रसूमात होती थी फजूल किस्म की, उसमें भी अब वक्त के साथ साथ तब्दीली आ गई है। लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर बेदार हो रहा है और शादी ब्याह की रसूमात, ख़ास तौर पर जैसे सेहरा बांधना, माइयों बिठाना, जहेज की नुमाइश, फजूल किस्म की रसूमात, इनमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ गई है। ख़ानदान के बुज़ुर्गों यानी माँ बाप ने भी अब शादी से पहले लड़के और लड़की की रजामंदी को अहमियत देना शुरू कर दी है। ख़ानदान में तोहम परस्ती का खात्मा हो गया है। काफ़ी हद तक तालीमी सनती तरक्की की बदौलत जो तोहम परस्ती जैसे फजूल ख्यालात थे उनमें तब्दीली आ गई है। तावीज़ गंडों से इलाज करवाया जाता था, पहलवानों के पास बाजू टूट जाए तो ले जाया जाता था, या हड्डी वगैरह टूटने की सूरत में तो अब डॉक्टर्स वगैरह से रजू करते हैं। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके अलावा ख़ानदान में पंजाब में औरतें जो हाथों से सारे काम सर अंजाम दिया करती थीं, जैसे चावल चढ़ना, गंदम पीसना, दालें वगैरह, अब मशीनरी का इस्तेमाल हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी वक्त की बचत जो है वो हो गई है। ज़राए मवासलात और ज़राए आमद रफ्त की वजह से काफ़ी तब्दीली आई है। अफराद में तफाउल की शरह जो है वो थोड़ी तेज़ हो गई है। अफरादी कुवत जो शहर में रोज़गार के सिलसिले में मुकीम थी, उनके साथ रबता जो है वो काफ़ी आसान हो गया है। ख़ानदान की तफरीही मशागल में भी तब्दीली आई है। पहले ज़माने में अफराद की तफरीह महज जानवरों की लड़ाइयाँ, गली में बटेरों और इसी तरह से चौपाल पर बैठ कर हीर वारस शाह या दिन भर की बातें जो हैं वो गपशप की सूरत में, लेकिन अब रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, ये सब चीज़ें जो हैं ख़ानदान के अफराद इनसे भी लुत्फ़ानंदोज़ होने लगे हैं। ख़ानदान अब सेहत और सफाई के सिलसिले में भी काफ़ी तगैर आ चुका है। देही ख़ानदान में सफाई के हवाले से जदीद असूलों की पाबंदी की जाती है। ओपन टॉयलेट्स का रवाज ख़त्म हो गया है। घरों में बाकायदा इंडियन यू टॉयलेट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले ली है। जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती हैं। इसके अलावा मुहलिक बीमारियों के ख़िलाफ़ बच्चों को इंजेक्शन्स वगैरह भी लगवाए जाते हैं। ख़ानदान अब अपने फ़ैसले और तनाज़ात और झगड़ों का मिलजुल कर फ़ैसला करने लगे हैं, या फिर अदालत से भी रुजू किया जाता है। पंजाब के देहातों में लिबास में भी नुमाया तब्दीली आई है। तहबंद और कुर्ते की जगह पर शलवार कमीज़ और पतलून शर्ट ने ले ली है। तहमद और कुर्ता और पगड़ी ख़ानदान के अफराद की एक ख़ास काफ़ी निशानी थी, लेकिन ये नई नस्ल में इसका रवाज वक्त के साथ साथ कम हो गया है। इसके अलावा भी दीगर माशरती उस काफ़ी तब्दीलियाँ ख़ानदान में आई हैं। ब्याह शादी के मौक़ों पर देही ख़ानदान अपने बारातों को चटाइयों पर नहीं बिठाते, मेज़ कुर्सियों का इंतज़ाम करते हैं। खुदा न खास्ता गमी या फोतीदगी की सूरत में अब उस तरह से वैन नहीं डाले जाते बल्कि सब्र और तहमल का मुजाहरा जो है वो किया जाता है। इसके अलावा औरतों की मुलाजमत को अब इतनी बुरी निगाह से नहीं देखा जाता। बच्चियों की तालीम पर भी बच्चों की तरह ही तवज्जो दी जाती है। इसके अलावा भी ख़ानदान में और बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें दिखाई देते हैं। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। ईमान अल्लाह।